साइड उसको पालन करते हुए हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे और बात करके दोनों आदमी बैठकर सबसे पहले सहमति बनाकर और जो उसके बाद प्रदेश कमेटी की जितनी भी मेम्बर है उनसे बात करके एक समन्वय स्थापित करके सभी की सहमति लेकर और हम प्रदेश मान्य प्रभारी जी, क्या आप पूर्णतः अध्यक्ष जी की बात से सहमत हैं? तो आप दोनों मिलकर किस प्रकार से संगठन और पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं? हम लोग जो है विचारधारा से लोगों को पहले लैस करेंगे जी, दोनों मिलकर, क्योंकि हम लोग दोनों पहले विचारधारा से लैस हैं और एक दूसरे का हम लोग दो तन है, एक दिल मिशन में हम लोग हो चुके हैं और पूरे क्षेत्र में एक एक व्यक्ति को हम तैयार करेंगे और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जो झंडा है बिहार में इतनी बुलंद करेंगे पूरी दुनिया में नजर आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से आपके यहाँ आज एक बैठक का मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी मौजूद रहे और चुनाव मुख्य प्रभारी एमएल तोमर जी मौजूद रहे, उसमें और भी समस्त उनके सहयोगी साथी जो यहाँ पर प्रभारी लगाए गए मौजूद रहे, आज लगभग ये मीटिंग आपकी 2 से 2.5 घंटे चली है, क्या आप उन सभी लोगों से संतुष्ट हैं जो लोग यहाँ पर जिनकी जो है जिन्हें प्रभार देकर आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और जो पूरा जो जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, क्या आप उन लोगों से पूर्णतः संतुष्ट हैं? सबसे पहले जो राष्ट्रीय कमेटी को धन्यवाद, अभिवादन, क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, और सबसे पहले बड़े भाई चंद्रशेखर भाई के को भी क्रांतिकारी जय भीम, मिला सलाम, और सबसे पहले हम हमारे क्रांतिकारी जो है साथी उत्तराखंड के और पुराने साथी महक सिंह को विशेष धन्यवाद, जो कि आज जो है बिहार की जो है जो गलत फहमी में लोग पड़े हुए थे उस कमियों को ख़त्म करने का प्रयास किया, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देते हैं, माननीय बड़े भाई जो गार्जियन स्वरूप जो चीफ है चुनावी प्रभारी एमएल तोमर साहब को भी धन्यवाद देते हैं, और हम तमाम प्रदेश की कमेटी को भी धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक जिला कमेटी को भी धन्यवाद देते हैं और प्रत्येक बिहार के कार्यकर्ता को भी धन्यवाद देते हैं कि इस कमी को ख़त्म करके आपसी सहमति बनाकर हम लोग बिहार में मजबूती से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में एक देश में एक बिहार प्रथम स्थान होगा, ये मेरा संकल्प है और वादा भी है, और इस रूप में हम लोग संकल्पित होकर कार्य करेंगे और आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को मजबूत करने का काम करेंगे। जय भीम साथियों, मेरे साथ जुड़े थे अभी जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन प्रदेश अध्यक्ष बिहार से चंदन पासवान जी और उनके साथ उनके सहयोगी साथी जो यहां से प्रदेश प्रभारी हैं मनोज भारती जी। तो उन्होंने अभी अपने माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया कि जिस प्रकार से बिहार के अंदर जो आपसी मतभेद कुछ लोगों के द्वारा इन लोगों में बना दिए गए थे आज वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिए गए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साथियों, मेरे साथ जुड़े हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनय रतन सिंह जी और यहाँ बिहार प्रदेश में मुख्य चुनाव प्रभारी के तौर पर जो यहाँ पर ड्यूटी देकर भेजा गया है आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा माननीय एमएल तोमर जी से। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरा एक सवाल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से बिहार में पिछले दिनों से देखने को मिल रहा है कि आपसी मतभेद यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था, लेकिन आज आपके नेतृत्व में पूर्ण तरह से ख़त्म कर दिया गया, तो बिहार प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आज एक पटना के अंदर प्रदेश स्तरीय मीटिंग का आयोजन था, इसमें जो भी आपसी छोटी मोटी बातें थी वो सब बातें दूर लगभग दूर हो चुकी हैं और सभी ने बिहार से वादा किया है कि अब बिहार के अंदर कोई झंडा लहराएगा तो झंडे का रंग नीला होगा, तो झंडे पर लिखा होगा आज़ाद समाज पार्टी, झंडे पर लिखा होगा भीम आर्मी, अगर सर होगा तेजी के साथ बढ़ेगा जी। साथियों, मेरे साथ जुड़े हैं बिहार चुनाव के मुख्य प्रभारी एमएल तोमर जी। मैं आज जिस प्रकार से आपसी मतभेद को भीम आर्मी के पदाधिकारियों द्वारा ख़त्म किया गया है और आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने का जो निश्चय जो प्रण इन लोगों ने लिया है, मैं तोमर जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को किस प्रकार से आज जो है मुख्य चुनाव प्रभारी के तौर पर आपको भेजा गया है, तो प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस लाइव वीडियो के माध्यम से? प्रदेश की जनता इस वोट की कीमत को पूरा समझ गई है और जिस तरीके से प्रदेश में विभिन्न तरीके के झूठे वादे और आश्वासन के आधार पर वोट को लूटा गया था, इस बार वो लूट की पुनरावृत्ति नहीं होगी, बल्कि जो इस वोट के से गरीब, कमज़ोर, लाचार, मजदूर, मजलूम, किसान,
छोटे लोगों का हित निश्चित होना है। बिहार के ये साथी जिनकी किन्हीं कारणों से कुछ गलतफहमियों के द्वारा जो दूरियां हुई थी, आज राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा इनमें मेल कराया गया, मेल ही नहीं कराया गया, ये आश्वस्त हुए कि आने वाले समय में बिहार प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बन पाएगी। आजाद समाज पार्टी इस हैसियत में होगी कि बैलेंस ऑफ पावर आजाद समाज पार्टी होगी और आजाद समाज पार्टी के बिना कोई सरकार प्रदेश में नहीं बन पाएगी। आजाद समाज पार्टी की मान्यता होगी और इस देश में बिहार की धरती से जहां बड़े बड़े सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत हुई, उसकी आजाद समाज पार्टी भी बिहार की धरती से शुरुआत करेगी। और प्रदेश की जो हमारी कमेटी है, इस कमेटी में हम पूरी कमेटी को ही धन्यवाद भी देंगे। इस कमेटी में जहां कोई छोटा मोटा हुआ है उस विवाद को भी दूर करेंगे। और हमारा संगठन यहां ब्लॉक स्तर तक हमारा संगठन जा चुका है। एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में आजाद समाज पार्टी बहुत जल्द उभरेगी और भीम सैनिक जो है दिन रात लगकर इस पार्टी को प्रगति की तरफ ले जाने का काम करेंगे। तो साथियों, मैं आपका परिचय करा रहा हूं। अभी मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, बस सीधा परिचय करा देता हूं। आप अपना परिचय दें पहले। तो मैं रामेश्वर प्रधान, भीम आर्मी भारत एकता मिशन राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा बिहार में प्रभारी की जिम्मेदारी देके हमें भेजा गया है और आज हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में विनर्तन जी के और मुख्य प्रभारी जी के नेतृत्व में प्रदेश की बॉडी की मीटिंग ली है, जिसमें कुछ मतभेदों को दूर किया गया जो निराधार थे, गलतफहमियों के कारण से कर दिए गए थे। और आज बड़ा ही शुभ संकेत है बिहार की जनता के लिए कि जिस तरह आज मन मिटाव दूर करके एकजुट होकर संकल्पित हुए हैं कि एकजुट होकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संगठन के साथ साथ आजाद समाज पार्टी का गठन करके बिहार प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम करेगी। जो कोई भी सरकार बनेगी वो आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व से बनेगी। जय भीम। मेरे साथ हैं चुनाव प्रभारी हिमांशु वाल्मीकि जी, प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश, और आकिब जी, मोहम्मद आकिब जी मेरे साथ जुड़े हैं। तो दोनों साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज आपसी मतभेद आप लोगों ने यहां टीम के ख़त्म करवाए हैं, तो क्षेत्र की और प्रदेश की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जय भीम साथियों, जैसे कि आप जानते हैं यहां तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और इसी धरती पे बड़े बड़े आंदोलन चालू हुए और जो मिशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस मिशन को बहुजन समाज को शासक बनाना चाहते थे, जिसको काशीराम साहब लेके चले, जिसको और भी बहुत बहुजन महापुरुष आगे लेके चले और उनकी तमन्ना थी, उनकी चाहत थी कि बहुजन समाज देश का शासक बने, उसी मूवमेंट को जो मूवमेंट कहीं ना कहीं छूट गया था, उसी मूवमेंट को आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी जो है बहुजन शासक बनाने का काम करेगी और इस देश में बहुजनों का हुक्मरान बनाएगी। जय भीम। अब मैं आप लोगों के बीच अवगत करा रहा हूँ जो कि उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे बिहार के चुनाव प्रभारी हैं महक सिंह, उनसे मैं परिचय करवा रहा हूं। आप सुनिए। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी। और साथी, जिस प्रकार से बिहार प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा था उस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं है, छोटा मोटा आपसी मतभेद था जो आज पूरी तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनयरतन सिंह जी के द्वारा और प्रदेश की जितनी भी कमेटी यहां पर मौजूद थी उनमें आपसी सहमति जो है माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा कराई गई है। और आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन से दोनों बब्बर शेर हमारे बीच में बैठे हैं, माननीय चंदन पासवान जी और माननीय भारती जी, तो दोनों बहुत ही मजबूत स्तंभ है पूरे बिहार प्रदेश के अंदर, उनकी पूरी टीम बहुत ही मजबूती से काम करती है। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैं छोटे भाई होने के नाते उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो इसी मजबूती के साथ बिहार प्रदेश के अंदर काम करें और आजाद समाज पार्टी का वर्चस्व स्थापित करने का काम करें। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद।